108 वर्ष बाद मानपूर्णा की यह प्रतिमा एक बार फिर से काशी में अपने धाम में वापस आई है। 108 वर्ष पहले वाराणसी के घाट से गायब हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर धाम पहुंची। विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्रतिमा पहुंचने पर उसे गाड़ी से उतार कर पालकी पर रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद माता अन्नपूर्णा की पालकी उठाई और प्रतिमा स्थल तक पहुंचाया। विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में सीएम योगी ने ही माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। करीब एक शताब्दी बाद कनाडा से भारत आई इस मूर्ति के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। खबरों के मुताबिक साल 1913 में कनाडा के रहने वाले वकील नॉर्मन मैकेंजी भारत आए हुए थे। भारत भ्रमण के दौरान वाराणसी में पत्थर की एक मूर्ति पर उनकी नजर टिक गई। नदी के तट पर बने एक छोटे मंदिर में रखी तीन मूर्तियों में से यह मूर्ति माता अन्नपूर्णा की ही बताई जाती है। मैकेंजी ने अपने गाइड से कहा कि वो मूर्ति उन्हें चाहिए। गाइड के मना करने पर उन दोनों की बातचीत सुन रहे एक अजनबी ने मैकेंजी से कहा कि वो उनके लिए मूर्ति किसी भी तरीके से लेकर आएगा। उस शख्स ने मूर्ति चुरा कर मैकेंजी को बेच दी। अब फिर एक बार यह मूर्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्नपूर्णा दरबार का हिस्सा बन गई है। मूर्ति को भारत वापस लाने के लिए लंबे समय तक मुहिम चली। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर रुचि दिखाई थी। असल में पिछले दिनों कनाडा में आयोजित हुई वर्ल्ड हेरिटेज वीक में यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना की मैकेंजी आर्ट गैलरी में भारतीय कलाकार दिव्या मेहरा की नजर इस मूर्ति पर पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने मूर्ति को लेकर जानकारियां जुटानी शुरू की। उन्हें मालूम हुआ कि 1930 के दशक से ही इस मूर्ति को कनाडा में विष्णु की प्रतिमा की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा है, जबकि एक हाथ में खीर और दूसरे हाथ में अन्न वाली माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति में विष्णु के प्रतीक है ही नहीं। कलाकार दिव्या मेहरा ने यह बात भारत सरकार के अधिकारियों तक पहुंचाई। इसके बाद कनाडा सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को यह मूर्ति सौंप दी। 100 साल पहले चोरी हुई इस प्रतिमा का आकार 17 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर पतला है। काशी विश्वनाथ धाम में माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का प्राचीन वैभव फिर से लौट रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना मूर्त रूप ले रही है। पहले भारत की मूर्तियां तस्करी के माध्यम से दुनिया में पहुंचा दी जाती थी। भारत की आस्था आहत होती थी। आज ढूंढ ढूंढ करके उन मूर्तियों को वापस भारत वापस लाया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे ना, 156 ऐसी मूर्तियों को लेकर के और आए हैं। 156 मूर्तियों को। एकादशी के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में माता अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन के लिए भी भक्तों का लगातार तांता लगा रहा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।